स्टूडेंट्स hey उम्मीद है आप सब लोग हेरियत से होंगे आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में आ, स्टार्ट लूँगा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से उम्मीद है इसका आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक ब्रीफली बताता चलूँ के, कि केमिकल कंपाउंड्स की टू टाइप्स होती हैं एक होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर बेसिकली ऑफ मिनरल ओरिजन ठीक है मिनरल मीनस ये नॉन लिविंग ओरिजन के होते हैं फॉर एग्जाम्पल टेबल साल्ट, मार्बल्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा एंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आर बेसिकली फ्रॉम लिविंग ऑरिजन ठीक हो गया मीन्स स्लेंग ओरिजिन क्या हो सकता है प्लांट हो सकते हैं और एनिमल हो सकते हैं ठीक हो गया एंड देन इसकी जो एग्जाम्पल्स है वो है नेचुरल गैस और इसके अलावा जो कि फ्रूट से हासिल होता है लाइक ग्रेप से हासिल होता है एसिटिक एसिड जो है ना वो वेनेगार से हासिल होता है ठीक है सो बेसिकली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिन मीन्स वो जो सब्सटेंसेस है जो ऑर्गेनिज्म है वो वंस दे वर लिविंग जो पहले एक टाइम में वो लिविंग थे ठीक है तो ये तो टू टाइप्स होगी ऑर्गेनिक केमिकल कम, कंपाउंड की इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल ऑरिजिन के होते हैं और ऑर्गेनिक लिविंग ऑरिजिन के होते हैं ठीक है उसके बाद फर्द हम जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफिनेशन की तरफ सो वी नो दिट

कार्बन मोनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइसल्फाइड्स कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स जिनमें क्या होता है कार्बन प्रेजेंट होता है बट दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज दिस कंपाउंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सो दे आर प्लेस्ड इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्दो दे हैव कार्बन सो so, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि उसमें कार्बन मेजर कंपोनेंट होता है लेकिन उनमें ये कुछ एग्जांपल्स है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड जो कि इनऑर्गेनिक में प्लेस किए गए हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है तो एक लिहाज से ये एक MCQ भी बनता है कि कार्बन इज नॉट ऑर्गेनिक तो जॉब में क्या होगा बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ठीक है और जो अभी लेटेस्ट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्रीड्रोजन के जो जिनके मेजर कार्बन और हाइड्रोजन कंपोनेट होते हैं ठीक है वो फर्दर बनाए गए होते हैं ठीक है तो ये थामिस्ट्री का ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट और कुछ आ, ऐसे एग्जाम्पल जो कि जिसमें कार्बन मौजूद होता है लेकिन वो ठीक है ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड तीन मेजर सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर वन है कॉल और सेकेंड है पेट्रोलियम एंड थर्ड वन इज अचुरल गैस ठीक हो गया ल इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट प्रोड्यूस कोक एंड कोल्ट आर ऑन पैरालिज्रक्टिव डिस्टिलेशन ठीक है अगर हम कोल की ब्रेक डाउन करेंगे हम विद हेल्प ऑफ हीट पैरालिज द ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड हीट ठीक हो गया या इसकी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो ये फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होता है नंबर वन है कोक और दूसरा है कोल्टार ठीक हो गया कोल्टार जो है ना ये मजीद प्रोड्यूस कर सकता है मोर देन टू हंड्रेड ऑफ कंपाउंड ठीक हो गया या yeah, हम यू कह सकते हैं कि कोल्टार से मजीद अबाउट टू हंड्रेड कंपाउंड जो है ना आइसोलेट किए गए हैं सो so फार ठीक है और वो जो कंपाउंड है वो नॉर्मली हम हम एज अ स्टार्टिंग मटीरियल यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेनी अदर कंपाउंड ठीक हो गया लाइक like परफ्यूम्स हो गए लाइक ड्रग्स हो गए इसके अलावा जो सेकेंड टाइप है इसकी वो है पेट्रोलियम पेट्रोलियम इज द थिक लिक्विड इज यूजली एंड ब्लैकिश और ब्राउन कलर It is a mixture of of uh, various chains of hydrocarbons. Uh, petroleum are commonly called as a crude oil theek ठीक हो गया तो इसमें कार्बन के chains चेंज होते हैं वो um, आपको फ्रॉम सेवरल कार्बन से लेकर हंड्रेड ऑफ कार्बन के चेंज हो सकते हैं ठीक है और ये डिपेंड करता है ऑरिजन पे कि कहाँ पे क्रूडा एग्जिस्ट कर लाइक um, हिली एरिया में जो है ना मुख्तलि पेट्रोलियम की कंपोजिशन कम्पोजिशन होगी वो डिफरेंट होगी इस प्लेन एरिया में डिफरेंट होगी तो इट डिपेंड द लोकेशन आर अकरेंस क्रूड आय सो पेट्रोलियम इज सोर्स ऑफ द थर्ड सोर्स ऑफ इजेन विच इज एटी फाइव टू नाइनटीट एंड दम्पोनेट आर इथेन

like marbles like uh, table salt like carbon dioxide etc and the organic compounds are basically uh, living organism origins means they are derived from the plants animals so these are this was the basic difference between the organic and inorganic compound further we will move to the organic chemistry organic chemistry is basically the study of uh, uh, compounds which are derived from the laying materials next we will move to the definition of organic chemistry the old definition of organic chemistry was the compounds of carbon the study of the compounds of carbon as a major component however there are some other compounds which contain carb carbon and is a main component but they are inorganic compound for example carbon dioxide carbon monoxide etc so uh, the new concept about organic chemistry now is uh, it is the study of the compound of carbon and hydrogen and their derivatives. So, if you what is organic compounds or what is organic chemistry? Uh, organic chemistry is the study of the compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. And the organic compounds are those which contain uh, carbon and hydrogen as a major component and they are derived from the Living organism origin. Other next one is the source of organic compounds. There are three major component sources of the organic compounds number one is coal, uh, two is petroleum, and the third is natural gas. Coal is further dis, uh, changed into coke and coal tar, uh, and coal tar further produces uh, more than 200 compounds, uh, which are also used as a starting material for many other preparation of many other compounds. Uh, next is the petroleum we also commonly known as.